हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे चित्र बना रखा है जिसमें एक एनिमेशन चल रहा है। देख सकते हो आप, इसकी आंखों का एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, तो इसकी आंखें बंद हो रही हैं और क्या हो रहा है, खुल रहा है। ये मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कैसे बनाया है, आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आँखें इसकी बंद हो रही हैं और क्या हो रही हैं, खुल रही हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक नई फाइल पहले मैं ले लेता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, नई फाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कैसे आप इसे एनिमेट करोगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से जो प्लेस होल्डर है उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इम्प्रेस के ऊपर, इसे राइट क्लिक करके कट कर दीजिए और इसे आप यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल खाली कर दिया। अब ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। मैंने पहले से ही जो आप यहाँ पे देखें एनिमेशन, उसका जो है फ्रेम बना रखा है, यानी चित्र अलग अलग फ्रेम पे बना रखा है। मैं उसको केवल उस फ्रेम को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं जाता हूँ सीधे से यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे, और इंसर्ट में एक ऑप्शन मिलता है मीडिया। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो एल्बम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड का, आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक नया डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपका खुल जाएगा और आप देख सकते हो वो सारी इमेज मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, बना रखी है। देखिए सारा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और कंट्रोल ए दबा लूँगा। कंट्रोल ए करने से सारा सेलेक्ट हो जाता है और इसके बाद जस्ट मुझे ओपन वाले इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये सारी फाइल ओपन हो चुकी हैं और सारी फाइल मैंने यहाँ पे GIF फॉर्मेट में यहाँ पे बना रखी थी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट स्लाइड वाले इस ऑप्शन पे करूँगा क्लिक। यहाँ से जैसे मैं इस पर करता हूँ क्लिक, आप देखेंगे कि सारी स्लाइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी इंसर्ट हो जाएगी आपके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड आपकी क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी हैं। ये देखिए अलग अलग, ठीक है, बहुत सारी स्लाइड करने का मतलब है कि जितनी मैंने यहाँ पे फ्रेम बनाए होंगे सारी फ्रेम से यहाँ पे आपके आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे आपको 105 फ्रेम के नीचे तक अभी जा ही रहा है। ठीक है, 106 फ्रेम आपको मिल गया है टोटली। ठीक है, तो मैं सबसे ऊपर वाले फ्रेम पे चला जाता हूँ, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर जो फ्रेम होगा वो बिल्कुल खाली होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसे पहले से क्या कर रखा था, खाली कर रखा था। ये देखिए, तो इस वाले फ्रेम कह लो आप, चाहे स्लाइड कह लो आप, स्लाइड बोलेंगे बेटर रहेगा। ठीक है, ये फ्रेम ही इंसर्ट हुआ है लेकिन अलग अलग स्लाइड के ऊपर क्या हुआ है, इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, वन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए जी, वन को हटाने के लिए इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करो और डिलीट वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। इधर जो ऑप्शन दिया है डिलीट स्लाइड वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। ठीक है, तो ये स्लाइड पूरी डिलीट आपकी हो जाएंगी। अब आप देखिए पहली स्लाइड पर ये फोटो आपका यहाँ पर देखिए दिख चुका है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ये, ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, ये देखना है आपको। तो स्लाइड तो बन गई, आपको पता ही लग गया कि अब तो एनिमेशन चलेगा ही, लेकिन इस पर हमें टाइम देना है पहले अभी, और स्लाइड ट्रांजिशन भी देना है क्योंकि एनिमेशन के लिए हमें सेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड स्लाइड शो के भीतर आप जाओ और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और एक ऑप्शन मिलता है आपको स्लाइड शो सेटिंग का, लेकिन इससे पहले आप स्लाइड वाले ऑप्शन पर चले जाना और यहाँ पर जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन वाली इस ऑप्शन पर, और जाने के बाद आपको यहाँ पर इधर साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मिल जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आफ्टर का, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो 1 सेकेंड टाइम लगाया गया है इसको आप करेंगे पॉइंट में, पॉइंट टू कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे क्लिक किया हूँ तो ये घटता चला जा रहा है, जब पॉइंट टू हो जाएगा तो मैं इसे रिलीज कर दूँगा। ठीक है, तो अभी पॉइंट टू हो चुका है, मैं यहाँ पर कर दूँगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड, मतलब सभी स्लाइड पर टू सेकेंड, जो यहाँ पर 0.2 सेकेंड का जो टाइम है वो यूज कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा और प्ले वाली बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो अब सारे पे लग चुका है, मैं थोड़ा इसे छोटा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का और लग गया है, करने से एनिमेशन टाइम तो लग गया है लेकिन मुझे लूप में चलाना है। लूप का मतलब हो गया कि जैसे एक बार एनिमेशन चल के क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, मुझे हमेशा कंटिन्यू चलाना है। तो इसके लिए मैं स्लाइड शो वाले इस ऑप्शन पर चला जाता हूँ। आप देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर स्लाइड शो सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर कर दीजिएगा क्लिक, और जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर खुल चुका है और इसी में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है लूप का, लूप एंड रिपीट आफ्टर वाला, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। टाइम कोई भी मत रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा
और जैसे ही ओके वाली बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर सब कुछ ओके हो चुका है। अब मुझे केवल स्लाइड शो देखना है। मैं यहाँ पे स्लाइड शो को देखने के लिए स्लाइड फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से यहाँ से क्या करूँगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो अभी जैसे मैं क्लिक करूँगा तो स्लाइड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, चल के बिल्कुल सीधी खड़ी है। मतलब अब देखो टाइम आ गया, ठीक है। थोड़ी देर तक रुकेंगे फिर क्या होंगी, आपकी आँखें यहाँ पर बंद होंगी। देखिए अभी जो ड्यूरेशन मैंने लगा रखा है यानी कि टाइम, उसके हिसाब से ही क्या होगा इसकी आँखें बंद और क्या होंगी चालू होंगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम फ्रेम को इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड के ऊपर और फिर उसको एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इस तरह का एनिमेशन बनाना समझ में आ चुका होगा।